आई नो, एक महीने हो गए हैं और अब तक अपर मून वाली वीडियो आ जानी चाहिए थी। चप्पल पड़ना चाहिए इसके लिए मुझे कि मैं इतना डिले किया, लेकिन सरकार अब आ गई है वीडियो, तो प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किसी ने सोची ना होगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, स्टार्ट में ही बोल दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग करते नहीं हो सब्सक्राइब, ठीक है। तो वेलकम टू लोगी इंडियन, जहां लोगी यानी मैं दूंगा अपर मून डीमंस पे अपनी ओपिनियन। तो हम सब जानते हैं कि अपर मून में कुल मिलाकर 6 रैंक है, तो आइडियली 6 डीमंस ही होनी चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ डीमंस रिप्लेस हुए, तो इस वीडियो में हम टोटल 8 अपर मून डीमंस पे बात करेंगे। तो 6 पोजीशन पे है डाकी और ग्यूतारो। जी हाँ, ये दोनों डीमंस अपर रैंक 6 पे हैं एक साथ। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं और इनकी बैक स्टोरी काफी सैड सी है। तो डाकी का ह्यूमन फॉर्म में नाम हुआ करता था उमे, और ये दोनों एक प्रोस्टिट्यूट एरिया में जन्मे थे जहां दोनों काफी गरीब थे। इनफैक्ट इनकी माँ भी एक प्रोस्टिट्यूट ही थी और वो फॉर सम रीजन डाकी से बहुत नफरत करती थी। आई मीन, जब डाकी का जन्म हुआ तब से ही वो उसे मारती पीटती थी। ऐसे में डाकी ख्याल यूजुअली ग्यूतारो रखता था, और समय के साथ डाकी की मां एक ऐसी बीमारी से मारी गई, उस बीमारी का नाम उमे था। तो आप समझ सकते हैं कि डाकी का नाम उमे जो है वो कहां से आया होगा। खैर, डाकी जब थोड़ी बड़ी हुई तो वो काफी खूबसूरत दिखने लगी, और ऐसे में उसे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में हाई प्रोफाइल काम मिलने लग गया। अब आप समझ सकते हो ये काम कौन सा था, और डाकी के जो क्लाइंट्स थे उनसे जो पैसा वसूलने का काम था वो ग्यूतारो का था, क्योंकि ग्यूतारो लड़ाई वड़ाई में अच्छा था। तो एक दिन डाकी का एक क्लाइंट आता है जो कि सामुराई था, और वो कुछ ग्यूतारो के बारे में इधर उधर बोलने लगता है, तो डाकी को गुस्सा आता है और वो उसके आंख में कुछ तो पियर्स कर देती है। इससे वो समुराई गुस्सा हो जाता है और वो डाकी को जिंदा जला देता है। अब ग्यूतारो को जब ये बात पता चलता है तो वो उस समुराई को मार देता है और डाकी के बॉडी को लेकर इधर उधर मदद मांगते हुए घूमने लगता है। लड़ाई में ग्यूतारो खुद इंजर्ड हो गया था, और ऐसे में लग रहा था कि ये दोनों अब तो नहीं ही बच सकते हैं, लेकिन इनकी मुलाकात हुई डोमा नाम के एक डीमन से, जो कि उस वक्त तो अपर रैंक 6 था लेकिन फिलहाल वो अपर रैंक 2 है। डोमा उन्हें डीमन्स में तब्दील कर दिया, और ये दोनों वाकई में काफी पावरफुल डीमन साबित हुए। इनफैक्ट ये लोग मुजान को इंप्रेस भी किए और तभी अपर रैंक 6 पे बैठे हैं। अब यहां मैं आपको बता दूं कि ग्यूतारो डाकी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट मुजान खुद बोलता है कि रियल अपर रैंक 6 तो ग्यूतारो है, डाकी तो बस ऊपर से है। अब इनके पावर्स की बात की जाए तो ग्यूतारो कभी सामने नहीं रहता है, एक्चुअली में डाकी ही रहती है, एंड देन अगर डाकी का सर काट दिया जाए तो उसके अंदर से ग्यूतारो प्रकट होता है। डाकी अपने शरीर से बेल्ट्स वगैरह बनाती है जो कि स्ट्रांग हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, शार्प हो सकते हैं, यानी कि उसे किसी चीज को कट किया जा सकता है। इन्हीं बेल्ट्स को वो स्ट्रेच कर करके अटैक करती है। इनफैक्ट वो इन बेल्ट्स के अंदर ह्यूमंस को स्टोर भी कर पाती है ताकि वो बाद में उसको डिवोर कर सके, ताकि अपने नेक को भी बेल्ट जैसा फ्लेक्सिबल बना सकती है, ताकि जब तलवार से आप उसकी गर्दन को काटने जाए तो वो बेल्ट जैसा हो जाएगा। अब तलवार बेल्ट को कैसे काटेगा, समझ रहे हो, तो ये भी उसका एक ट्रिक है। अब एज आई सेड, अगर आप डाकी का गर्दन किसी तरह काट दो तो अंदर से निकलता है ग्यूतारो, जो कि और भी ज्यादा पावरफुल है। ग्यूतारो अपने ब्लड डेमन आर्ट से सिकल्स वगैरह बनाता है जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता है, और इसी से वो अटैक करता है डिफरेंट डायरेक्शन से। अब यहाँ इन सिकल में एक बहुत ही जहरीला पॉइजन है जिसके टच से ही कई लोग मर सकते हैं, लेकिन हाँ, हाशिरास वगैरह के अंदर थोड़ा ज्यादा ही पावर वगैरह है तो वो लोग टच से नहीं मरेंगे, उनको समय लगेगा मरने में, लेकिन हाँ, अगर ये सिकल टच कर गया तो समझो मरना तो तय है अगर एंटीडोट नहीं मिलता। इन्हें मारने का एक ही तरीका है कि इन दोनों के गर्दन को एक ही टाइम पे काटा जाए, यानी कि जब डाकी का गर्दन कटा हो तभी ग्यूतारो का भी कटे, क्योंकि अगर लेट होता है तो दोनों में से कोई ना कोई अपना गर्दन जोड़ लेगा, एंड देन तब दूसरे का काटो तो कुछ नहीं होगा। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में तांजिरो, जेनित्सु, नेजुके, इनोसुके और इन सब के अलावा अपने साउंड हसीरा तेंजन यूजी इस दोनों से लड़ते हैं, मतलब डाकी और ग्यूतारो से, और यहां हम देख पाते हैं कि कितना भारी ये डीमन अकेला इन सब पे पड़ रहा था। यूजी तो अपनी एक हाथ तक खो देते हैं एंड बाकी लोग भी मरने के कगार तक पहुंच गए थे, लेकिन इनोसुके और जेनित्सु अपने अमेजिंग पावर का प्रदर्शन करते हैं, मतलब जेनित्सु का गॉड स्पीड वगैरह, जिससे वो डाकी का गर्दन काट पाते हैं। वहीं पैरेलल में यूजी और तांजिरो ये दोनों मिलकर ग्यूतारो का गर्दन काटते हैं। फाइनली जब इन दोनों का गर्दन साथ कटता है तो दोनों मारे जाने लगते हैं, और ऐसे में डाकी ग्यूतारो को डांटने लगती है कि तुम कितने अगली हो। वहीं ग्यूतारो डाकी से लड़ने लग जाता है ये कह के कि तुम कितनी कमजोर हो, लेकिन तांजिरो बीइंग तांजिरो वो जाके इन दोनों को शांत करता है, बोलता है लड़ो मत, आफ्टर लाइफ में भी तुम लोग साथ ही रहोगे, और हमें दिखाया जाता है कि बाद में भी वो दोनों साथ ही हैं, और ये एक अच्छी जोड़ी थी। यही होता है इनका अंत। तो देख रहे हो ना कितना कॉम्प्लिकेटेड है अपर मून डीमंस का कहानी, इसीलिए टाइम लगा है स्क्रिप्ट को लिखने में, एंड ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी कई डीमंस हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लो, बहुत मजा आने वाला है, और मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है।
तो इनके बाद रिप्लेसमेंट अपर डीमन मून 6 था काइगाकू। बचपन से ही काइगाकू एक ऑर्फन था, लेकिन वो एक चोर भी था। ब्रीफ टाइम के लिए काइगाकू का ख्याल ग्योमी भी रखे थे, जो कि अभी फिलहाल स्टोन हाशिरा है, एंड ग्योमी के ही वो ऑर्फनेज टेम्पल में काइगाकू रहा था। लेकिन काइगाकू वहां भी टेम्पल मनी चोरी करने लगा और इसीलिए बाकी बच्चे काइगाकू को टेम्पल से निकाल दिए। लेकिन बाहर जाते ही काइगाकू का सामना एक डीमन से हो गया, और ऐसे में डीमन से बचने के लिए वो डीमन को कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा बहुत सारे बच्चे कहाँ हैं, तुम उनको जाके खा जाओ, मुझे छोड़ दो। और वो ऐसा ही किया, टेम्पल का लोकेशन दे दिया जहां वो डीमन कितने सारे बच्चों को मार के खा गया। यानी हम कह सकते हैं कि बचपन से ही काइगाकू जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था। आगे चल के काइगाकू फॉर्मर थंडर हाशिरा जिगोरो के अंदर ट्रेन करने लगा, और यहां मैं आपको बता दूं कि जेनित्सु को भी जिगोरो ही ट्रेन किए हैं। हम जानते हैं कि थंडर ब्रीदिंग का 6 फॉर्म है, जहां जेनित्सु फॉर्म 1 को ही सिर्फ सीख पाया, लेकिन उसको वो मास्टर कर चुका है। और वही हम काइगाकू की बात करें तो वो फॉर्म 1 नहीं सीख पाया, लेकिन बाकी 5 फॉर्म सीख लिया। लेकिन फॉर्म 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्म 1 से ही बाकी फॉर्म्स इजाद हुए हैं, वही एक तरह से समझो मास्टर है। खैर, कहानी में आगे काइगाकू एक डीमन में तब्दील हो गया, ऑब्वियसली अपने आप को और स्ट्रांग बनाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। और ये बात जब जिगोरो को पता चली तो वो खुद को मार लिए। अब जिगोरो की मौत की बात जब जेनित्सु को पता चली तो इस पॉइंट ऑफ टाइम से ही जेनित्सु बहुत सीरियस हो गया। यूजुअली हम जेनित्सु को बहुत ही हंसता खेलता रोता हुआ कैरेक्टर देखते हैं, लेकिन एनीमे में जब ये पार्ट होगा तो जेनित्सु बहुत सीरियस हो जाएगा। इन्फिनिटी कासल के अंदर जेनित्सु और काइगाकू एक दूसरे से भिड़ते हैं, और यहां जेनित्सु अपने थंडर ब्रीदिंग फॉर्म 1 से ही एक फॉर्म 7 बना लेता है, नया फॉर्म, और उसकी मदद से वो काइगाकू को मार देता है। काइगाकू कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता, तो जेनित्सु बताता है कि ये मैंने खुद बनाया है। तो समझ सकते हो क्यों मैं बोलता हूं जेनित्सु ओपी है और मेरा फेवरेट कैरेक्टर वही है। एनीवेज, मूविंग ऑन, आगे हम बात करेंगे अपर मून डीमन 5 के बारे में, जो कि है ग्योको, और इसे आप स्वॉर्डस्मिथ विलेज जो मूवी आ रही है उसके अंदर देखेंगे। ग्योको, जिसका असली नाम मानागी था, वो एक फिशरमैन विलेज के आउटस्कर्ट्स में रहता था। अब ग्योको बचपन से ही अजीब था, क्योंकि जब उसके माता पिता डूब के मरे तो वो बहुत ही फैसिनेटेड था उनके बॉडी को देखने में, उसे कोई दुख दर्द नहीं था। इसके अलावा ग्योको मछली के स्केल्स वगैरह को, उनके हड्डियों को कलेक्ट करता था, और ऐसे में गांव वाले उसे दूर ही रहते थे बोल के कि ये थोड़ा अजीब है। तो एक बार ग्योको को एक बच्चा चिढ़ा देता है, और गुस्से में ग्योको उस बच्चे को मार डालता है, इनफैक्ट एक जार में स्टफ कर देता है। अब उस बच्चे के माँ बाप को जब पता चलता है तो वो लोग ग्योको को स्टैब कर देते हैं और मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, इस पॉइंट पे ग्योको की मुलाकात हो जाती है अपने मुजान की बुत्सुजी यानी माइकल जैक्सन से, एंड देन मुजान उसे डीमन में तब्दील कर देता है। अब दिखने में ग्योको बाकी डीमन से अलग है, जहां वो पॉट के अंदर से एक जिन की तरह आता रहता है, और उसके शरीर पे काफी सारे स्केल्स हैं। स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में ग्योको इस विलेज में पहुंचता है, लोगों को डिवोर करता है, और उसका एम था इस पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देना। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज से ही सारे हाशिरास का या डीमन स्लेयर्स का स्वॉर्ड बनता है, तो अगर विलेज तबाह हो गया तो समझ सकते हो कितना बड़ा अपर हैंड हो जाएगा डीमंस को। यहां ग्योको भिड़ता है अपने मिस्ट हाशिरा मुइचिरो से, एंड ये लड़ाई अमेजिंग थी, क्योंकि ग्योको पॉट से पॉट ट्रांसपोर्ट कर रहा था। हाँ, ये उसका एक पावर है, वो इन पॉट्स को अपना आर्ट बोलता है, और कोई उनकी बुराई कर दे या कोई इसको डिस्ट्रॉय कर दे तो बड़ा गुस्सा आ जाता है। इन्हीं में से एक पॉट से वो फिशेस निकालकर मुइचिरो पे अटैक करता है, देन एक में से वाटर निकालकर मुइचिरो को घेर देता है, जिसमें वो डूबने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मुइचिरो अब नहीं बच पाएगा, लेकिन हाँ, वो इस वाटर शील्ड को तोड़ पाता है, एंड फाइनली ग्योको से अगेन लड़ता है। यहां हम ग्योको का एक ऑक्टोपस फॉर्म भी देखते हैं, एंड देन उसका फाइनल फॉर्म, जो कि उसका अपना शरीर के साथ है, और इस फॉर्म में जब वो किसी भी चीज को मुक्का मारता है तो वो फिश में तब्दील हो जाता है। लेकिन अपने मिस्ट हाशिरा मुइचिरो अपने 7th ब्रीदिंग फॉर्म का यूज करके ग्योको का सर उसके धड़ से अलग कर देते हैं, और इस तरह से ग्योको मारा जाता है। तो अब तक अगर आपको काउंटिंग याद है तो आप समझ रहे होंगे कि अब हम अपर मून डीमन 4 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है हांतेंगू, और इसे भी आप स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में देखने वाले हैं। तो हांतेंगू जब एक ह्यूमन था तब भी वो क्रिमिनल ही था। हाँ, वो चोरी करता था, लोगों के कत्ल कर देता था, एंड देन अपने आप को इनोसेंट बोलता था। इनोसेंट किस बिना पे, कि भैया मैं नहीं कर रहा कत्ल, मेरे हाथ कर रहे हैं कत्ल, इसकी वजह से हो रहा है, मेरा हाथ ईविल है। भाई, इससे बढ़िया एक्सक्यूज मैं यूकेजी में देता था। खैर, हांतेंगू को मौत की सजा सुनाई गई, इनफैक्ट उसके हाथों को भी काटा गया, एंड अगले दिन वो मरने वाला था, लेकिन जेल में उससे मिलने आ गए मुजान अपने माइकल जैक्सन, और उसे डीमन में तब्दील कर दिए। अब हांतेंगू एक बहुत ही ताकतवर डीमन है, क्योंकि वो अपने 4 क्लोन बना सकता है। जी हाँ, और ये सारे क्लोन्स के अंदर एक अपर डीमन मून जितनी ताकत है। उसका मेन बॉडी कहीं और छिपा है, और डीमन स्लेयर्स को इन 4 क्लोन से लड़ते हुए उसके मेन बॉडी को हंट करना होगा, और जब तक मेन बॉडी नहीं मरता ये 4 क्लोन्स मारे ही नहीं जा सकते। हांतेंगू का सामना सबसे पहले मुइचिरो, तांजिरो और नेजुको से होता है।
होता है। मूचिरो तुरंत ही उसका सर काट देते हैं और इस सर के कटते ही दो क्लोन निकलते हैं, एक सेकिडो और एक काराकू। सेकिडो लाइटनिंग स्ट्राइक करता है और काराकू विंड को कंट्रोल करता है। इसी फाइट के बीच गिन्ने आता है और वो अपने बुलेट से इन दोनों क्लोन्स का भी सर काट देता है और यहाँ से दो से हो जाते हैं चार, हम दो हमारे दो, टोटल चार। बाकी दो डीमन से अजीतसु और उरोगी, और अजीतसु यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस अटैक करता है, वहीं उरोगी साउंड ब्लास्ट जैसा कुछ तो मारता है। अब ये चारों कंबाइन होके जोहा कुतैन बन जाते हैं, जो कि एक बहुत पावरफुल डीमन हो जाता है, एंड इससे लड़ती है अपनी लव हाशिरा मित्सुरी। इस फाइट के बीच मित्सुरी अपना डीमन स्लेयर मार्क को जगा लेती हैं एंड सभी लोग मिलके इस डीमन को ओवरपावर करते हैं। तांजिरो हिनोकामी कागुरा डांस करके हांतिंगू का सर काट देता है और ये हेडलेस बॉडी भागने लगता है। अब भाग इसलिए रहा था क्योंकि सुबह होने लग गई थी, और यहाँ पे तांजिरो नोटिस कर लेता है, मतलब अपना एक क्वर्क यूज करके, वो आपको मैं कभी और बताऊंगा पावर्स वाले वीडियो में, तो इस क्वर्क से वो नोटिस कर लेता है कि भैया इसका जो असली शरीर है वो इस हेडलेस बॉडी के हार्ट के अंदर है, छोटा सा। एज आई सेड, सूरज भी उगने वाला था और तांजिरो उसके बॉडी को काट देता है, इसे शरीर भी कट जाता है और हांतेंगू मर जाता है। लेकिन यहाँ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहली ये कि हम समझ पाते हैं कि नेजुको को सनलाइट से कुछ नहीं होता, और दूसरी ये कि मरने से पहले हांतेंगू ये न्यूज मुजान तक पहुंचा देता है। जी हाँ, यानी कि मुजान अब नेजुको के पीछे है, क्योंकि अगर वो उसको डिवाउड कर लेगा तो वो भी सनलाइट में आ पाएगा, एंड देन माइकल जैक्सन बनके सबको दिन में भी अपना डांस दिखा पाएगा। मेरे हिसाब से यहीं पे स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क मूवी खत्म हो जाएगी। तो हाँ, स्पॉयलर्स मैं दे दिया हूँ, लेकिन वीडियो में स्पॉयलर्स तो हैं ही, सबको पता ही था। हांतिंगू के मरने के बाद अपर रैंक फोर्ड को रिप्लेस किया गया नाकिमे डीमन से। पास्ट में नाकिमे एक बीवा प्लेयर थी और वो बहुत गरीब थी, उसका पति एक जुआड़ी था और नाकिमे जो भी पैसा बनाती थी उसको ही वो जुआ में हार जाता था। तो एक रात नाकिमे को स्टेज पे परफॉर्म करना था और वो परफॉर्मेंस के लिए अपना ड्रेस वगैरह खोजने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका पति उसका जो बढ़िया वाला ड्रेस था उसको भी जुआ में हार गया। इससे नाकिमे बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने पति को मार देती है। देन उसे याद आता है कि भैया आज तो परफॉर्मेंस भी देना है स्टेज पे, तो वो अपना एक गंदा सा ड्रेस पहन के स्टेज पे जाती है। अब उसके इस गंदे से अटायर को देखकर ऑडियंस बू करना शुरू कर देती है और नाकिमे घबरा गई थी, साथ ही अभी-अभी कत्ल करके भी आई थी, तो इसका ही प्रेशर था, और वो डर-डर के बीवा बजाना शुरू करती है। लेकिन आज जो उसका परफॉर्मेंस था उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं और काफी पैसे भी देते हैं उसे। अब इससे नाकिमे डिड्यूस करती है कि अगर वो अपने हर परफॉर्मेंस से पहले किसी इंसान को मार डालेगी तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा वो डर वगैरह से, तो ऐसा ही करना शुरू कर देती है। और एक बार जिस इंसान को मारने जाती है वो और कोई नहीं बल्कि अपना डीमन किंग मुजान था। ऑब्वियसली नाकिमे को पता नहीं था उस वक्त कि मुजान ही डीमन किंग है, लेकिन मुजान देखता है कि नाकिमे बहुत अच्छी है, उसके स्किल्स को अप्रिशिएट करता है एंड उसे डीमन में तब्दील कर देता है इंस्टेड ऑफ किलिंग हर। नाउ जब डीमन स्लेयर्स मुजान को मारने उबुयाशिकी मैंसन में पहुंचते हैं, तो वो नाकिमे ही थी जो अपने बीवा से वहां का सब कुछ चेंज करके उन सबको इन्फिनिटी कैसल में ले आई थी, एकदम अलग अलग जगह पे। बेसिकली हम कह सकते हैं नाकिमे अपने बीवा से अपने आसपास के सराउंडिंग को पूरी तरह से कंट्रोल करती है, चेंज तक कर देती है, और यही वजह है कि उस पे अटैक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वो तो चेंज ही कर देगी ना हर कुछ, कैसे आप अपना अटैक पहुंचा पाओगे उस तक। नाकिमे के सर पे एक बड़ा सा आंख है और उसी से वो सब कुछ देख पाती है, और इसीलिए युशिरो नाम का जो डीमन है वो क्या करता है कि नाकिमे के सर पे वो अपना उसका मैजिकल पट्टी जैसा है ना वो डाल देता है, जिससे कि वो नाकिमे को डिफरेंट विजन दिखाने लगता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो नाकिमे को कंट्रोल कर लेता है एंड मुजान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। मुजान देखता है कि भैया इन्फिनिटी का असल में चेंजेस जो हो रहे हैं उसके खिलाफ हो रहे हैं, तो वो नाकिमे से पूछता है और वो रियलाइज करता है कि नाकिमे अभी युशिरो के कंट्रोल में है। अब मुजान वापस कंट्रोल रिगेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको तो डीमन स्लेयर से भी लड़ना था, तो ऐसे में देखता है कि नाकिमे कुछ उसका हेल्प नहीं कर रही, हाँ अड़चन जरूर पैदा कर रही है, तो भैया नाकिमे को मार दो, और वो उसका सर फोड़ देता है। मुजान ऐसा कर सकता है किसी भी डीमन के साथ, तो ऐसे हो जाता है नाकिमे का अंत। अब इसके बाद है अपर मून डीमन 3 आकाजा, जो कि मेरा फेवरेट डीमन कैरेक्टर है सब में, और आकाजा का जो पास्ट है वो बहुत बड़ा सा है। तो आकाजा जब ह्यूमन था तो उसका नाम हाकुजी था। आकाजा के पिता बहुत बीमार थे, उनके दवा को अफोर्ड करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, इसीलिए आकाजा क्या करता था कि लोगों के जेब काटता था। इस प्रोसेस में वो 3 बार पकड़ा गया और तीसरे बार जो वहां जो लोग थे वहां के वो उसके शरीर पे टैटूज कर दिए, साथ ही उसे धमकी भी दिए कि अगली बार वो ऐसा करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लोग उसे डीमन चाइल्ड तक कहने लगे, और तीसरी बार पिटाई वगैरह खा के जब आकाजा घर पहुंचा तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने खुद को मार लिया है। जी हां, उसके पिता कहते हैं कि मैं तुम्हारे चुराए हुए पैसे से नहीं जीना चाहता, और साथ ही वो आकाजा को सजेस्ट करते हैं कि वो एक अच्छी लाइफ
एफजी है। अब क्योंकि आकाजा का इस दुनिया में कोई नहीं था, साथ ही उसके शरीर पे टैटूज वगैरह भी थे, तो उसे इडो से निकाल दिया गया। इसके बाद आकाजा मारपीट वगैरह करने लगा, किसी तरह अपनी लाइफ जीने लगा, और तब उसकी मुलाकात कीजो नाम के एक इंसान से होती है। कीजो वहां का एक लोकल डोजो चलाता था। जिन्हें डोजो नहीं पता उन्हें बता दूं कि बेसिकली मार्शल आर्ट्स वगैरह सीखते हैं ना, वो जो छोटा सा एरिया होता है उसी जगह को डोजो कहते हैं। और कीजो बेसिकली अपनी जो बेटी थी उसका ख्याल रखता था, जिसका नाम था कोयुकी, जो कि हमेशा बीमार रहती थी। कोयुकी की माँ खुद को मार ली थी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एंड कोयुकी भी बीमार थी। तो आप देख सकते हैं इनकी लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं थी। स्टिल कीजो आकाजा को अपने डोजो में लाता है, वहां सिखाता भी है, साथ ही आकाजा का काम था कोयुकी का ख्याल रखना। ऐसे ही 3 साल बीत गए और कोयुकी अब इतनी हेल्दी हो गई थी कि वो घर के चोर्स वगैरह कर सके, और आकाजा भी मार्शल आर्ट्स में काफी अच्छा ट्रेन हो गया था। ऐसे में कीजो आकाजा को अपनी बेटी कोयुकी से शादी करने का प्रस्ताव रखता है, साथ ही वो बोलता है कि इस डोजो को तुम ओन कर लो, अब से तुम ही चलाओ। आकाजा ऑब्वियसली इस बात से बहुत खुश होता है एंड वो हां कर देता है। देन वो अपने पिता के ग्रेव पे यानी कि उनके कब्र पे जाता है, उन्हें कहता है कि देखो मैं इस जगह पे आ गया और मैं अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन करूंगा। लेकिन जब वो वापस अपने डोजो में आता है तो उसे पता चलता है कि एक कॉम्पिटिटर डोजो के लोग यहां आए थे और इस डोजो के कुआं में वो लोग कुछ पॉइजन मिला दिए, जिसे पीने के बाद ना तो कीजो बचे ना ही कोयुकी। ये देख आकाजा इतना गुस्सा होता है कि वो अपने राइवल डोजो में जाके 67 लोगों को मार डालता है अकेले, वो भी सिर्फ अपने बेयर हैंड से। अब इस इंसिडेंट के बारे में मुजान को पता चलता है और मुजान देखता है कि एक इंसान इतना स्ट्रांग है, मतलब कैसे हो सकता है। तो वो सोचा कि अगर इसे डीमन में तब्दील कर दिया जाए तो ये कितना स्ट्रांग डीमन बनेगा, इसलिए मुजान आकाजा को डीमन बना देता है। नाउ डीमन बनने के बाद आकाजा को अपने ह्यूमन लाइफ के बारे में नहीं याद था, बस उसके सबकॉन्शियस में था कि उसे और स्ट्रांग बनना है, और वो स्ट्रांग बनता गया, पीपल को डिवोर करता गया, और आप देख ही सकते हैं अभी अपर रैंक 3 पे है। आकाजा को पहली बार हम म्यूगेन ट्रेन आर्क में देखे थे, एंड में एकदम जहां पे वो फ्लेम हाशिरा को मार दिया था। मेरे फेवरेट हाशिरा वही थे। फिर इन्फिनिटी कासल में वो तांजीरो से एंड वाटर हाशिरा ग्यू से भिड़ता है। ये दोनों मिलकर आकाजा से लड़ते हैं और यहां तांजीरो अगेन अपना वो जो डांस है अपना वो कागुरा वाला वो यूज करता है, एंड आकाजा फिर भी हार नहीं रहा था। इसी फाइट के दौरान आकाजा को अपने ह्यूमन लाइफ के बारे में याद आता है, एंड देन उसकी जो लवर थी वो उसे कहती है कि आकाजा लेट इट गो, मतलब कब तक तुम लड़ते रहोगे, कितना पावरफुल बनोगे। वहीं मुजान उससे कह रहा था कि नहीं तुम्हें हील करना है, पावरफुल बनते रहना है, एंड आकाजा इसी बीच में फंसता है, बट देन वो इंक्लाइन कर जाता है अपनी लवर की ओर एंड फाइनली गिव अप कर जाता है। हाँ उसका गर्दन काट दिया गया था बट स्टिल वो हील कर सकता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी, लेकिन फाइनली ही लेट इट गो। अब मरते वक्त आकाजा आकाजा नहीं बल्कि हाकुजी बन चुका था। हाँ एक अच्छा बेटा, एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा होने वाला पति, पति नहीं बोल सकते हैं, शादी हुई नहीं थी, तो हम कह सकते हैं कि आकाजा बेसिकली इज अ लवर ऑल्सो फाइटर ऑल्सो। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपर रैंक डीमन 2 डोमा पे, और इस कैरेक्टर को मैं बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। तो डोमा का जब जन्म हुआ था तो उसकी आंखें जो थी वो रेनबो कलर की थी, और इसी वजह से लोग उसे स्पेशल मानने लगे। ऐसे में डोमा का एक कल्ट बन गया जिसका नाम था इटर्नल पैराडाइज, और यहाँ डोमा सभी लोगों को बेवकूफ समझता था, उसके अंदर इमोशन भी नहीं थे। इसका प्रमाण ये है कि जब डोमा के माँ बाप मरे तो उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ उसके पेरेंट्स मरे कैसे? वेल डोमा के डैड चीट कर रहे थे, तो उसकी माँ पहले उसके डैड को मार दी फिर खुद को भी मार ली। अब 20 साल उम्र में डोमा की मुलाकात मुजान से हुई, और डोमा बीइंग डोमा वो तुरंत ही डीमन में तब्दील हो गया। कोई उसका ऐसा ट्रॉमा या कुछ नहीं था, उसे बस डीमन बनना था, समझ रहे हो, थोड़ा सा वैसा ही है वो। अब डोमा की कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। तो बेसिकली डोमा अपने लाइफ टाइम में एक लेडी से मिला था जिसका नाम था कोटोहा हासिबीरा। कोटोहा और कोई नहीं बल्कि इनोसुके की माँ थी, जी हाँ, और वो अपने पति के प्रताड़ना से उसको छोड़ के इस इटर्नल पैराडाइज, उसके जो कल्ट था डोमा का, उसको ज्वाइन कर ली थी। कोटोहा बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसीलिए शायद इनोसुके भी बहुत सुंदर है, और इसी वजह से बेसिकली डोमा उसको अपने कल्ट में लिया था। तो एक रात कोटोहा देख लेती है कि डोमा एक डीमन है, क्योंकि वो इंसान को खा रहा था, और ऐसे में डोमा को कोटोहा को मारना ही था। नाउ कोटोहा जानती थी कि वो मारी जाएगी, इसलिए वो इनोसुके को, जो कि उसे बहुत छोटा सा बेबी था, उसको पानी में रिवर में फ्लो कर देती है, और डोमा तो ऑब्वियसली उसको मार ही देता है। नाउ इन्फिनिटी कासल में डोमा अपने फॉलोअर्स को खा रहा था, जब उसकी मुलाकात होती है इंसेक्ट हासिरा शिनोबू से। नाउ शिनोबू का कोई सा भी जो जहर था वो डोमा पे असर नहीं कर रहा था, एंड हम देख सकते हैं कि डोमा बहुत ही इजीली शिनोबू को ओवरपावर कर देता है। डोमा के पास वो एशियन चाइनीज फैंस नहीं होता है, उस तरह का कुछ अस्त्र है जिससे वो बेसिकली अटैक करता है। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि डोमा ही कनाई को मारा था, जी हाँ, वही जो कि शिनोबू की बहन थी। तो इस लड़ाई के एंड में डोमा बेसिकली शिनोबू को मार देता है और उसे खा भी जाता है। फिर इस लड़ाई में इनोसुके और कनाओ भी एंट्री लेते हैं और वो इजीली उनको भी ओवरपावर कर देता, लेकिन अचानक से उसका शरीर पिघलने लगता है और वो मरने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई साल से शिनोबू विस्टेरिया फ्लावर्स को खा रही थी और उसके अंदर 37 केजी
स्टेजेस ऑफ विस्टेरिया फ्लावर्स थे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि इस फ्लावर से डीमंस भागते हैं, वो उनके लिए जहर जैसा है। यानी डोमा जब शिनोबू को खाया तो उसके अंदर इतना सारा जहर एक साथ आ गया जो कि उस पर अवसर करने लगा था और इसी से वो मारा गया। तो बेसिकली शिनोबू मरते मरते डोमा को भी साथ ले गई, समझ रहे हो। नाउ इसी के साथ फाइनली हम आ गए हैं रैंक 1 अपर मून डीमन पे और इस डीमन का नाम है कोकुशिबो। कोकुशिबो का असली नाम मिचिकात्सु सुगिकुनी है। सुना सुना लग रहा है क्या नाम? वेल लगना चाहिए, बताता हूँ कैसे। वेल मिचिकात्सु का यानी कोकुशिबो जिसका अभी नाम पड़ गया है डीमन बनने के बाद, उसका ट्विन ब्रदर और कोई नहीं बल्कि योरीची थे। जी हाँ, वही डीमन स्लेयर जिसको आज तक के हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर बताया गया है। योरीची ने ही ब्रीदिंग टेक्निक्स का इजाद किया था और वो खुद सन ब्रीदिंग को यूज करते थे जो कि आज तक का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग टेक्निक है। मिचिकात्सु खुद भी पहले डीमन स्लेयर हुआ करता था और वो मून ब्रीदिंग का यूज करता था, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक। तो योरीची का जन्म एक डीमन स्लेयर मार्ग के साथ हुआ था, इसलिए उसे टेम्पल में भेज दिया गया था। ऐसे में सारा काम घर का जो होता है जिम्मेदारी वो मिचिकात्सु पे पड़ा और वो तलवार वगैरह चलाना भी सीखने लगा। अब बचपन में योरीची के पिता एक बार उसको थोड़ा सा तलवार चलाना सिखाते हैं और योरीची एकदम इंस्टेंट इतना बढ़िया तलवार चलाता है और इतना अच्छा लड़ता है कि मिचिकात्सु को जलन होने लगती है। आई मीन बंदे के अंदर तो गॉड गिफ्टेड स्वॉर्ड्समैनशिप था और मिचिकात्सु सोचने लगता है कि यार ये जो मेरा भाई है मेरे से बहुत बेहतर है। मिचिकात्सु को लगने लगा कि अब शायद उसे ही टेम्पल भेज दिया जाए और योरीची तलवार चलाना सीखने लगे और योरीची इस बात को भांप गया, इसलिए वो खुद ही टेम्पल चला गया। समय के साथ मिचिकात्सु का अपने भाई को लेकर जलन बढ़ता गया और ये पीक पे तब आया जब वो अपनी माँ की डायरी को पढ़ा। हाँ, ऑब्वियसली उसकी माँ के मर जाने के बाद। इस डायरी में लिखा था कि कैसे उसकी माँ बीमार थी और इस बारे में योरीची को पता था लेकिन मिचिकात्सु को नहीं। देन समय के साथ मिचिकात्सु एक सामुराई बन गया, देन वो शादी भी कर लिया, उसके 2 बच्चे भी हुए। अब तक योरीची का कोई अता पता नहीं था उसकी लाइफ में, तो मिचिकात्सु को लगने लगा था कि मे बी योरीची मारा गया होगा एंड नहीं भी मरा है तो उसे कोई मतलब नहीं था। नाउ एक रात उसके कैंप पे एक डीमन अटैक कर देता है और सभी को मार देता है। बचा था तो सिर्फ मिचिकात्सु और उसकी फैमिली, और मिचिकात्सु उस डीमन से लड़ने ही वाला था कि तभी अचानक योरीची आता है और एक ही वार में उस डीमन का गला काट देता है। इसके बाद योरीची मिचिकात्सु से माफी मांगता है कि वो पिछले 10 साल से गायब था और वो उसके कैंप मेंबर्स को नहीं बचा सका, लेट हो गया थोड़ा सा। एंड इस पॉइंट पे मिचिकात्सु का जलन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इस जलन में वो अपना परिवार छोड़ दिया ताकि वो ट्रेन कर सके एक हाशिरा बनने के लिए, बेसिकली एक डीमन स्लेयर एंड देन हाशिरा। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वो अपने भाई योरीची से आगे नहीं निकल पा रहा था। देन योरीची ब्रीदिंग टेक्निक्स का इजाद कर दिया एंड सन ब्रीदिंग यूज करने लगा, तो मिचिकात्सु उसको कॉपी करके अपना मून ब्रीदिंग बनाया। अब यहां मैं आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि जिसके भी सर पे डीमन स्लेयर मार्क आ जाता है वो सिर्फ 25 साल तक ही जी सकता है, और योरीची के सर पे भी आया बट ऑल्दो वो 80+ ईयर्स तक जिए थे। खैर, इसी बात से डर के एक्चुअली मिचिकात्सु मुजान से मिल गया एंड मुजान से मिलने के बाद वो अपने आप को डीमन में तब्दील कर दिया। और ऐसे ही हम कह सकते हैं कि मिचिकात्सु एक ऐसा डीमन है जो कि ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करता है, समझ लो कितना खतरनाक है। डीमन बनने के बाद ही मिचिकात्सु का नाम कोकुशिबू पड़ा और 60 साल बाद यानी डीमन बनने के 60 साल बाद वो वापस अपने भाई के पास गया जो कि अब बूढ़ा हो चुका था। कोकुशिबू का भाई योरीची अपने भाई को देखता है कि वो डीमन बन गया और उसे बहुत दर्द होता है एंड यहाँ इन दोनों का लड़ाई होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि योरीची मन से नहीं लड़ रहा था, साथ ही वो एजेड भी था एंड ऐसे में मिचिकात्सु योरीची को मार गिराता है। मरते वक्त भी योरीची के पास एक फ्लूट था जो कि मिचिकात्सु ने उसे बचपन में दिया था। ये फ्लूट बेसिकली कट जाता है एंड दिस शोड कि योरीची कैसे आखिरी दम तक अपने भाई से प्यार करता था। आई पर्सनली बिलीव कि ओल्ड एज में भी योरीची इजीली कोकुशिबू को हरा सकता था लेकिन वो शायद ठीक से लड़ा नहीं, ऑल्दो इस बारे में मैं क्लियरली नहीं बोल सकता क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है। खैर, इन्फिनिटी कासल में कोकुशिबू की मुलाकात मिस्ट हाशिरा मुइचिरो से होती है जो कि उसी का वंशज है। जी हाँ, आपको याद होगा उसने अपने बीवी बच्चे को छोड़ दिया था तो उसका जो बच्चा था उसी का जो जनरेशन बढ़ा उसी में से है ये मिस्ट हाशिरा। एंड नो वंडर ये 3 महीने में ही हाशिरा बन गया क्योंकि इसके जनरेशन में ही बहुत ही बड़ा टैलेंट चला रहा है। एनीवेज, कोकुशिबू मिस्ट हाशिरा को इजिली हरा देता है, देन गिन्ने आता है उसको भी ओवरपावर कर देता है। फिर आते हैं विंड हाशिरा सानिमी और वो भी कोकुशिबू से लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई को अगेन ज्वाइन करते हैं स्टोन हाशिरा ग्योमी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 हाशिरा है, स्टोन, विंड एंड मिस्ट। तो ये 3 हाशिरा फाइनली मिलके कोकुशिबू को हरा पाते हैं एंड आप देख सकते हैं कि तीनों काफी स्ट्रॉन्ग हाशिरा है, ये तीनों मिलके कोकुशिबू को हरा पाए, समझ रहे हो कितना पावरफुल था वो। और इसी के साथ अपर मून डीमंस खत्म, इतने ही थे। अब इससे ऊपर मुजानी है और उस पर तो हम सेपरेट वीडियो बना ही चुके हैं, तो अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने ऑफिशियली इस डीमन स्लेयर एनिमे को पूरी तरह से कवर कर दिया है। हाँ, यहाँ वो वीडियोस बचे हैं जहां मैं
पावर्स को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ब्रीदिंग टेक्निक्स को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एंड देन कोई मूवी आ रही है जैसे अभी स्वॉर्डस्मिथ विलेज आ रही है या एनिमे आती है तो उन सबको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा बहुत, उनसे बातें बताऊंगा, तो वो वीडियोस टाइम टू टाइम आती रहेगी, बट इन जनरल इस एनिमे को मैंने ठीक ठाक कवर कर लिया है। अब यहां से हमारा फोकस दूसरे एनिमे पे होगा, बेसिकली मैं यहां माय हीरो एकेडमिया की बात कर रहा हूं क्योंकि उसे मैंने खत्म कर दिया है। तो अगले हफ्ते से आपको मिल जाएगी माय हीरो एकेडमिया पे अच्छी अच्छी वीडियोस। और हाँ, मैंने एक सोचा था स्वॉर्डस्मिथ विलेज पे ही वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने इसी वीडियो में इतना डिटेल में सब कुछ कवर किया है कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज की कहानी भी काइंड ऑफ कवर हो गई है। वैसे अगर मूवी में कुछ एक्स्ट्रा आता है तो वो ऑब्वियसली मैं चैनल पे बताऊंगा ही। तो अगर आप इन सब ग्रुप ऑफ वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कम से कम 10K व्यूज आने चाहिए यार, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में, तो प्लीज आपके हाथ में ही है सब, करवा दो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।